Sri Naresh Agrawal. Sir, just a minute. No, no. No. In that, so I want to make it clear there was a mechanism. When your party, was, when your party chance comes, put on record. Not sir. Now, not now. When your no, Sri Naresh Agarwal, not now. When your party members will be speaking, tell them. Mani Naresh Agarwal. Maniyur Sabhapati. Maniyur Sabhapati. Please. Na chahte hue bhi, hum iska samarthan ismare kar rahe hain. कि ये संदेश न जाए कि समाजवादी पार्टी आर्थिक सुधार में कहीं रोड़ा बनना चाहती है। आपकी जो मीटिंग हुई मिनिस्टर्स की, आपने स्टेट मिनिस्टर्स की जो बैठक बुलाई, उसमें हमारे राज्य ने बहुत सी बातें आपके सामने रखी। सेलेक्ट कमेटी में भी मैं तो सोच रहा था कि भूपेंद्र यादव जी जो सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन उस समय थे, जब अपनी बात कहेंगे तो सेलेक्ट कमेटी के एक एक बिंदु पे आप जरूर सदन के सामने रखेंगे, क्योंकि ये बिल ओरिजिनल सेलेक्ट कमेटी का बिल नहीं है। सेलेक्ट कमेटी ने बहुत से ऐसे क्लास थे जो अमेंड करे थे, लेकिन इस बिल में वो अमेंड नहीं आए। तो इसको खाली सेलेक्ट कमेटी का बिल, जैसा अभी मिस्त्री जी कह रहे थे, इसको ओरिजिनल सेलेक्ट कमेटी का बिल नहीं मानना चाहिए। और मैं पूर्व वित्त मंत्री जी ने जो बहुत सी बातें रखी, मैं उससे सहमत हूँ। और मैं खुद उनको कहूंगा कि आप बिल्कुल आ रहे हैं, ये आपकी होशियारी है कि आप जब भी बिल लाते हैं तो जनता को ऐसा आईना दिखाते हैं कि इस बिल से क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। चाहे देश में करप्शन मिटाने की बात रही हो, चाहे देश में आर्थिक सुधार की बात रही हो, लेकिन क्या हुआ? वो सही हुआ। पिछली आपकी काउंसिल में जब मैकेनिज्म नहीं तय हो पाया तो आपने जीएसटी पे छोड़ दिया कि एक मैकेनिज्म बनाएगा जिसमें राज्यों और केंद्र के बीच जो विवाद होंगे वो विवाद उस मैकेनिज्म से तय हो जाएंगे। शिवन, मैकेनिज्म क्या है? मैं तो चाहता हूँ जब बिल इतना बड़ा लाए थे तो मैकेनिज्म भी साथ में लाते, बाद में आप क्या मैकेनिज्म बना लेंगे? वैसे भी राज्यों को इस पर इतराज था कि जीएसटी काउंसिल में आपने 2/3 राज्यों का हिस्सा रखा, 1/3 आपने अपना रखा, लेकिन काउंसिल में निर्णय 3/4 की मेजोरिटी से आएगा, यानी वीटो पावर तो आपके पास रह गई। आपके बिना राज्य कोई अपनी बात को पास ही नहीं करा सकता। तो आप उस मैकेनिज्म को क्यों नहीं आज डिक्लेयर करते हैं? आखिर पूरा देश जान तो सके कि इतना बड़ा अगर आर्थिक सुधार ले रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत से देशों में पहले से लागू हो गया। जब वैट लागू हुआ था तब भी ये कहा गया था कि वैट लागू किया जा रहा है, इस देश में समान टैक्स की दर सभी राज्यों में हो जाएगी। लेकिन जब वैट लागू हुआ तो क्या समान दर रही? आप बता दीजिए, हर राज्य ने अपनी अपनी दर को किया और टैक्स रेट अलग रहा। आज आपने 18% पर कैप नहीं किया। कांग्रेस कहती रही, अभी चिदंबरम जी कह रहे थे कि आप कैप इस मारे नहीं कर रहे क्योंकि आपकी नीयत टैक्स बढ़ाने की। अरविंद सुब्रमण्यम जी ने अपनी जो रिपोर्ट आपको दी उसके दो पैरे हम आपके सामने रखना चाहते हैं। एक में आरएनआर में उन्होंने कहा, द कमेटी रिकमेंडेड दैट द रेंज ऑफ द आरएनआर बी फिक्स्ड बिटवीन 15 से 15.5% टू बी लेविड बाय द सेंटर एंड स्टेट कंबाइंड, हाउएवर 15% रेट वुड बी प्रेफरेबल। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने दूसरा क्या सुझाव दिया, 3 rate structures। The committee suggested that the standard rate to be applied to the most goods and service 17 से 18%, the lower rate to be applied 12%, further the sin and demerit rate of the applied on luxury cars, acrid beverages, pan masala, tobacco should be 40%। अब आपकी अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट दे दिया, अब आपने इसको फ्री छोड़ दिया। आप कह रहे हैं कि ये हम रेट ऐसा रखेंगे कि देश में महंगाई ना बढ़े। मैं कहता हूँ आप आज क्यों नहीं इसको डिक्लेयर करते हैं? आप कहते हैं कि अगर हमने 18% कर दिया तो कभी रेट चेंज करना पड़ेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग होगी, हमको फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो क्यों अमेंडमेंट करना पड़े? आप मैक्सिमम तय कर दीजिए, मिनिमम रखिए, कभी आपको अमेंडमेंट करने नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी नीयत आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि इस समय स्टेट में जो
टैक्स रेट है और सेंट्रल का जो टैक्स रेट है, दोनों टैक्स रेट मिला के 32-34% टैक्स इस समय पड़ रहा है देश में। आप 32-34% को जब स्वीकार कर रहे हैं और फिर आप कहते हैं हम 14-15% रखेंगे, तो इससे आपकी आमदनी कैसे बढ़ेगी? आप कहते हैं जीएसटी जब लागू हो जाएगा रेवेन्यू बढ़ जाएगी और हम राज्य सरकारों को बराबर शेयर देंगे, तो राज्य सरकारों के अंदर इस बात का भय है और ये भय होना भी संभावित होना चाहिए, क्योंकि आपकी नीयत अगर साफ हो, आप तो ऐसा थोड़े दिन में करने वाले हैं कि राज्य सरकार कटोरा लेके आपके सामने खड़ा रहेंगे और आप राज्य सरकारों को दुत्कारते जाएंगे, जहां आपकी सरकार होगी वहां की सरकार को तो आप दे देंगे सहायता, लेकिन जहां नहीं होगी, आंध्र प्रदेश का आपने कमिटमेंट किया था, आप मुकर गए कमिटमेंट से कि नहीं मुकर, इसी सदन में कितने दिन सदन नहीं चला, लेकिन अभी उस दिन डिस्कशन हुआ तो आंध्र प्रदेश पर आप मुकर गए, तो कैसे राज्यों को गारंटी मिले? आपने GSTN बनाया, लेकिन GST नेटवर्क बहुत पैसा उसने खर्च कर दिया, बहुत आपसे मांग रहे हैं, करीब अब तक 200 करोड़ रुपए तो तनख्वाह पे खर्च कर चुके हैं, लेकिन क्या आप GST नेटवर्क ऐसा बनाएंगे कि जो GST कलेक्ट हो वो राज्य का शेयर ऑटोमेटिक राज्य को चला जाए और केंद्र का शेयर ऑटोमेटिक केंद्र को चला जाए? मैं कहता हूँ आप क्यों नहीं, आज इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट है, तो GSTN को आप इस बात पर बाध्य करिए कि GSTN जो टेक्नोलॉजी लाएगी, उस टेक्नोलॉजी में ये इस तरीके से होगा कि जो टैक्स वसूला जाएगा राज्यों का हिस्सा राज्यों को मिल जाएगा और केंद्र का हिस्सा केंद्र को मिल जाएगा। अभी आप हमको यही आज घोषणा बता दें कि कब से लागू होगा, हम बहुत जगह गए, लोगों ने पूछा नरेश जी GST पास हो जाएगा, हमने कहा पास हो जाएगा, कहने कब से लागू होगा, हमने कहा 1 अप्रैल से, केंद्रीय वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2017 से इस देश में GST लागू कर दिया जाए, लेकिन कैसे आप लागू कर देंगे? अभी आप यहाँ से पास करेंगे, उसके बाद आप राज्यों को भेज देंगे, कम से कम 15 राज्यों को पास करना जरूरी है, उसके बाद फिर आपके पास आएगा, लेकिन उसके बाद फिर आप इसको वित्त फाइनेंस बिल ना बनाइएगा, क्योंकि आपकी नीयत इसको फाइनेंस बिल बनाने की है, मनी बिल। मैं चिदम्बरम जी की बात से सहमत हूँ कि इसको मनी बिल आप मत बनाइएगा, क्योंकि ये मनी बिल नहीं बन सकता, यहाँ डिस्कशन हो चुका है एक बार, डिस्कशन होने के बाद इसको दोबारा आप कह दें, आप जब स्टेट से पास होके आए तो आप इसको मनी बिल बना के सिर्फ पार्लियामेंट से पास करा लें लोकसभा से, और राज्यसभा में डिस्कशन ना हो, हम कहेंगे जब पास हो तो दोनों जगह से, आप इस बात की गारंटी दीजिएगा, अपने उत्तर में बात को आप साफ करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है इसको मनी बिल बनाने की बात होती, और उसके बाद फिर राज्यों को जाएगा, फिर राज्य अपना लाभ बनाएंगे, तब दिल्ली आके तब आप इसको बना पाएंगे, तो आप इसको कब तक लागू करेंगे, आप ये भी इसका भी बता दीजिए। अब आपने कह दिया हम अप टू 5 ईयर्स राज्यों को, आपने देखिए उसमें लिखा है अप टू 5 ईयर आपके बिल में, फॉर 5 ईयर होना चाहिए, फॉर हो गया, नहीं इसको आप इसको भी क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी जो सेलेक्ट कमेटी थी, सेलेक्ट कमेटी में भी क्लियर हुआ था, बल्कि राज्य सरकार तो चाहते हैं कि पाँच साल के बाद भी अगर कोई हानि होती है, कोई लॉस हमको होता है, तो लॉस को आप बियर करिए, क्या दिक्कत है उसमें, राज्यों को आप वैसे भी जो पैसा राज्यों को देते हैं तो राज्यों को आप दीजिए। अब सेंट्रल GST, IGST, स्टेट GST, 3 GST है, हर एक का अलग अलग काम है, तो हमें ये भी बता दीजिए कि तीनों के काम के बाद समान रेट कैसे रहेगा, क्या राज्यों को GST का अधिकार नहीं होगा कि राज्य में कितना लगाएं? अब तंबाकू पर टैक्स की बात है, राज्य सरकार कहते हैं हम अलग से टैक्स लगाएंगे, स्टेट GST को इंडिपेंडेंट पावर है, और जब स्टेट लॉ बन जाएगा तो स्टेट लॉ के बाद सेंट्रल उसको प्रोपरसीड नहीं कर सकते उस लॉ को, तो जब स्टेट GST अपना लॉ बना लेगी तो उस लॉ के बाद अगर स्टेट किसी चीज़ पर टैक्स लगा देगी तो क्या आप उसको रोक पाएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ क्या वैसा तो नहीं हो जाएगा जैसे वैट में था कि राज्यों ने जब अलग अलग दर लगाया तो आप नहीं उसको रोक पाए, तो कहीं वैसा ना हो जाए। अब जैसे स्टेट कह देगा कि हमको सब अमाउंट लॉस हो रहा है, आप कहेंगे कि नहीं इतना नहीं हुआ, इतना लॉस हुआ, उस मैकेनिज्म को आप जब ले जाएंगे अपनी कमेटी में, वहाँ तो बहुमत आपका होगा, तो वीटो पावर आपका होगा,
तो स्टेट को संरक्षण कैसे मिलेगा? राज्यों ने आपसे कहा कि 10 लाख तक के टर्नओवर के व्यापारियों को छूट होनी चाहिए। कुछ राज्यों ने, जिसमें असम के सेवन सिस्टर्स जिनको कहते हैं, कुछ और छोटे राज्यों ने इस पर कहा नहीं, हम 5 लाख से ऊपर टर्नओवर के नहीं होने चाहते हैं। बड़े सभी राज्य करीब करीब इस बात पर सहमत थे कि 10 लाख के टर्नओवर के व्यापारी को इस टैक्स से एग्जम्प्ट कर रखना चाहिए। आप बिल में तो लाए नहीं हैं इसको, तो आप यहाँ पे कम से कम घोषणा करिए, क्योंकि देश में बहुत छोटा व्यापारी है जो GST का विरोध कर रहा है। हमारे राज्य में चुनाव है, चुनाव के समय हम इसे स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम कितने टर्नओवर के व्यापारी से टैक्स लेंगे, क्योंकि ये भी एक चुनावी मुद्दा होगा। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि हमारे राज्य ने मांग करी है कि 10 लाख रुपए तक के टर्नओवर के व्यापारी को GST से छूट मिलना चाहिए। हमारे नहीं, तमाम राज्यों ने कीजिए, मुझे मालूम उस मीटिंग में। तो आप कम से कम यहाँ पे ये डिक्लेयर करें कि जो राज्यों की मांग है 10 लाख की और जो राज्यों ने 5 लाख की करी है, दोनों को अलग अलग छूट दे दीजिए, जिससे कि वो राज्य के व्यापारी एक सहमत का रूप बना सके। लोकल बॉडीज वाली बात कि लोकल बॉडीज़ के टैक्स का क्या होगा, भूपेंद्र जी आप भी जब उसमें कमेटी में थे, हम लोगों ने बात को उठाया था, सेक्शन 55 कौन सी थी कि लोकल बॉडीज के टैक्स को आप कहते हैं कि राज्य सरकार पूरा करे। वैसे भी फाइनेंस कमीशन के बाद लोकल बॉडीज का टैक्स का दर इतना घट गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन दोनों का अलग बात थी, आज लोकल बॉडीज़ को जो सहायता मिल रही बहुत घटी। तो लोकल बॉडीज़ के टैक्स का क्या होगा, लोकल बॉडीज़ की इनकम कहाँ से होगी? राज्य ने आपसे कहा कि वो इस जो घाटा होगा आप बियर करें, आपने क्लियर नहीं किया, अभी तक वो क्लियर नहीं है, मैं चाहूँगा उसको भी आप क्लियर कर दें। खाद्य पदार्थों पर कितना GST होगा, जैसे अनाज है, गेहूँ है, चावल है, दाल है, दूध है, अंडा है, इन सब पर भी मैं चाहूँगा कि ये देश को पता लग जाए आज सदन के माध्यम से कि खाद्य पदार्थों पर GST लागू होगा कि नहीं लागू होगा। और ये भी आप इंश्योर करें कि महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आई है उस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 3 साल महंगाई बढ़ेगी। आप तो अभी भी नहीं स्वीकार कर रहे महंगाई बढ़ी हुई है। उस दिन मैं देख रहा था रामविलास पासवान जी जब बहस में उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने कह दिया दाल के अलावा किसी चीज पे दाम नहीं बढ़े। ये तो ठीक है, राहुल जी ने जवाब दिया हर हर मोदी हर हर मोदी, उनका कांग्रेस की तरफ जवाब आया, लेकिन मैं ये स्पष्ट जानना चाहता हूँ, ये देश स्पष्ट जानना चाहता है कि खाद्य पदार्थों पर GST लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी तो केवल मंडी टैक्स राज्य लगाते थे, लेकिन अगर GST आपने 12% 14% से भी शुरुआत करी और आपने खाद्य पदार्थों पर लगा दिया तो खाद्य पदार्थ तो बहुत महंगे हो जाएंगे और उससे एक महंगाई की दर काफ़ी बढ़ेगी। हम लोग महंगाई के दर का विरोध करते हैं और इसी बारे में मैंने शुरू में कहा कि ना चाहते हुए भी हम इसका समर्थन कर रहे हैं। अब ये जनरल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, माननीय वित्त मंत्री जी, बाबा रामदेव जी बड़ा आजकल अपनी चीज़ों का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, उन्होंने हरिद्वार से एडवर्टीजमेंट किया, मीडिया ने हरिद्वार में उनका बिल काटा और मीडिया ने वहाँ पेमेंट ले लिया, तो GST तो उस राज्य का हो गया, आपका शेयर हो गया, लेकिन सर्विसेज उन्होंने पूरे इंडिया में दी। अब वो TV ने बाबा रामदेव के सारे उत्पादकों की जो था उसका एडवर्टीजमेंट दिया तो और राज्य भी प्रभावित हुए और उन्होंने उस माल को खरीदा, तो उसके सर्विस टैक्स जो है उस राज्य को कैसे मिलेगा? एक कोका कोला है, पेप्सी कोला है, जहाँ से हैं वहाँ से उन्होंने बिल कटवा लिया, मीडिया ने वहाँ से बिल काट दिया, लेकिन सर्विस तो उन्होंने पूरे कंट्री को दी, तो सर्विस टैक्स कैसे? आपने गुड एंड सर्विस टैक्स है, खाली गुड टैक्स की बात क्यों कर रहे हैं, सर्विस टैक्स की क्यों नहीं बात करते? तो सर्विस टैक्स में भी मैं चाहूँगा जो इन एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जो सर्विस हो रही है उस पर राज्यों का टैक्स कितना बनेगा और उन राज्यों को कैसे मिलेगा। मैं इतने शब्दों के साथ, चूँकि हमारे दूसरे भाई सुरेंद्र नागर जी भी बोलेंगे, क्योंकि रियल इस्टेट वगैरह पे भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जो नागर जी बोलेंगे मैं अपने पार्टी का समर्थन करूंगा, लेकिन ये चाहूंगा कि जो हमने आपत्तियां की हैं, जो हमने बातें कही हैं, उसका जवाब आप दे देंगे,
बहुत बहुत थैंक यू श्री नरेश अग्रवाल जी.